ओके सो इनटेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इनटेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 ओके क्या बोल रहे हैं देखते देखो. H2S ओके अ टॉक्सिक गैस विथ रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब सड़ा हुआ अंडा ओके वो जैसे स्मेल करता है वैसे स्मेल आती है किसकी H2S गैस की ठीक है. इज यूज फॉर अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है क्या H2S गैस. इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वॉटर एट STP इज 0.195 मो एम, छोटा एम है, छोटा एम मतलब क्या मोलालिटी ओके सो छोटा एम मोलालिटी इज गिवन 0.195 डन ओके ये इतना गिवन है एट STP गिवन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और से 25 डिग्री सेल्सियस सो 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार होता है और अगर बहुत एग्जैक्ट देखा जाए तो 987 बार होता है ओके वैसे अप्रोक्सीमेटली हम 1 बार भी ले लेते हैं और 0.987 ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर STP. This is the condition for STP. अच्छा कैलकुलेट हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ओके हमें हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट की H की वैल्यू निकालनी है. डन हमें क्या निकालना है, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के H की वैल्यू निकालनी है ओके तो पहले तो हेनरीज लॉ क्या है हमारा, हेनरीज लॉ इज P इज इक्वल्स टू K H into X, ये है हमारा हेनरीज लॉ. डन ये तो हमारा हेनरीज लॉ है, ये फॉर्मूला हमने थियरी में पढ़ रखा है. सो P इज इक्वल्स टू K H into X. P कितना है, P तो हमारे पास है, K H हमें ढूंढना है तो X हमें निकालना होगा. डन X ऑफ H2S, X ऑफ H2S हमें निकालना है. डन तो हमें K H मिल जाएगा. तो x ऑफ H2S का फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में है तो वाटर. देन ये फॉर्मूला है हमारा मोल फ्रैक्शन का ओके मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जिसका ढूंढना है वो सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स. देन अब ये मिल जाएगा तो यहां पुट कर देंगे. अब ये मिलने के लिए NH2S, NH2S तो ये हमें मोलालिटी गिवन है ना तो वहीं से हमें NH2S मिल जाएगा. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलालिटी है मतलब केजी वाला सो मास ऑफ सॉल्वेंट राइट. एक ही ऐसा है जिसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आता है दैट इज मोलालिटी, बाकी सब में सॉल्यूशन आता है और वो भी क्या आता है वॉल्यूम ओके यहां पर मास आता है ये हमने देखा था. सॉल्यूशन के आगे हमने जो देखा था कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं उसमें ओके सो ये हमारा है. अब ये गिवन है हमारा 0.195 तो 0.195 हम ले सकते हैं, ये गिवन है मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 0.195 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर मास ऑफ अ सॉल्वेंट और ये मास किसमें है केजी में, ये किसमें है केजी में, 1 केजी में इतने नंबर ऑफ मोल्स है. और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो, ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 बाई ग्राम था ओके वो फॉर्मूला क्या था के डिवाइडेड बाई 1000 और नीचे क्या ग्राम वो फॉर्मूला. यहां पर तुम कन्वर्ट करोगे तो नहीं नीचे ही 10^3 हो जाएगा, नीचे नहीं वो क्या था ऊपर 10^3 डिवाइडेड बाय नीचे ग्राम में. तो अगर इसको ही तुम्हें ग्राम में लिखना हो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तुम अगर निकालोगे सॉल्यूट के तो वो क्या होगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. सो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास हम किस में लेते हैं ग्राम में. सो ये फॉर्मूला भी हम ग्राम में ही लेते हैं. सो नीचे अगर हम क्या ले लेंगे ग्राम ले लेंगे ओके सो नीचे ग्राम सो से 1 पर केजी वाला है, पर केजी मतलब हम ले सकते हैं क्या से 1000 ग्राम, पर केजी मतलब क्या 1000 ग्राम. तो वैसे ही हम अभी रहने देते हैं ओके 1000 ग्राम है. अच्छा हमें 1000 ग्राम का गिवन है. डन क्या गिवन है हमें, 1000 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.195.
सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से H2S दैट इज इक्वल्स टू कितना है 0.195 है पर 1000 ग्राम. डन. 1 kg में, 1 kg में मतलब 1000 ग्राम में ही हुआ ना. ओके okay. इतना हमें गिवन है. ओके okay. तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है इतने. ओके okay. सो नंबर ऑफ मोल्स तो यहां पर हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें गिनने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिनने पड़ेंगे ना हमें. ओके सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास से W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कैपिटल W. डन. सो गिवन मास H2O का क्या है, हम 1000 ग्राम में ले रहे हैं ना, हम 1000 ग्राम में ये मोल्स ले रहे हैं ना, तो गिवन मास हमारा क्या हो गया 1000 ग्राम. ओके सो 1000 ग्राम. और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है H2O. ओके 18 H2O मतलब 2H plus 1O that is equals to 2H का मॉलिक्यूलर मास 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 टोटल कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल. डन. ओके सो 18 ग्राम. सो यहां पर हमने कर दिया 18, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे हमें पता ही है, ये नंबर तो याद रह गया होगा 55.55. डन. डन. ओके तो ये हमें मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हमें मिल गया. नाउ देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O एक बार कर ले, वैसे ही हमें पता ही है नंबर तो यही आता है. ओके okay, तो नहीं करते क्यों, क्योंकि पता है 1000 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 5 आएगा, मतलब 50 आएगा तो 55 आएगा. ओके okay. हाँ और अब देखो कि हम कहां 0.195 मोल्स है 1000 ग्राम में, कितना सिर्फ और सिर्फ 0.195 मोल्स, और H2O के कितने हैं 55 मोल्स. कहां 55 और कहां 0.195 राइट सर, वो बट वो तो H2S के हैं और 1000 ग्राम में है. ओके सो 1000 ग्राम में H2S के मोल सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 0.195. डन. ओके सो वी कैन से दैट n ऑफ से H2S is very very less than number of moles of H2O. तो यहां पर we can neglect it. So n of H2S जो हमें पता है वो 0.195 divided by ये H2S को हम क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं. Done? Okay, तो ये H2S को हम अगर neglect कर दे तो इसको हम neglect कर देंगे तो n of H2O हमारा कितना हो गया 55.55. So the answer will be, तो मोल फ्रैक्शन का हमारा आंसर आएगा 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55, सो दैट इज इक्वल्स टू 3.51 × 10⁻³. ये आया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O. डन. और वो चला जाएगा हमारा नीचे, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, KH इज इक्वल्स टू P कितना है हमारा 0.987 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन कितना है 3.51 × 10⁻³. सो 0.987 डिवाइड बाय आंसर, तो हमारा आंसर आया है कि एच का 2.81 × 10⁻². क्या आया है कि एच का आंसर, हेनरीज कांस्टेंट का आंसर आया है 2.81 × 10⁻². और नेगेटिव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा. यस. ओके अंडरस्टूड, समझ में आया पक्का. सर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं ना, ये 1000 ग्राम है मतलब कि 1000 पैसे में, मतलब 1000 रुपए में 195 पैसे NH2S के हैं और 55.55 H2 के हैं. हाँ बोल सकते हैं. डन. तो क्या किया हमने,
हमें पहले तो बोला था कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, तो वहां हमने देखा ये है x ऑफ H2S, नहीं है x ऑफ H2S, ढूंढने के लिए हमने उसका फॉर्मूला लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा तो हमारे पास n ऑफ H2O नहीं है, तो n ऑफ H2O निकाला, n ऑफ H2S तो हमें जो गिवन है मोलालिटी उसके बेस पे ही हम ले सकते हैं क्योंकि वो 1000 ग्राम में ही है, सो 1000 ग्राम में ये है तो ये भी हमारा कितना हो गया है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ही है, सो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमें मिल गया, डन। तो वो अगर हम निकाल ले सो हमें डायरेक्टली वैल्यू पता चल गया, अंडरस्टूड, श्योर, ओके। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1.6।